नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट टीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाने वाला है उसकी स्क्वाड की इन्फॉर्मेशन, पॉसिबल प्लेइंग 11, एक स्मॉल लीग की टीम और ग्रैंड लीग की टीम देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके पाकिस्तान का जो स्क्वाड उसे चेक कर लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक के नाम बताने लग जाऊँ तो। फिर न्यूजीलैंड की भी स्क्वाड आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना। तो अभी हम प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो उसमें कॉलिन मुर और मार्टिन गप्टिल ओपनिंग कर सकते हैं, फिर केन विलियमसन, रॉस टेलर, टॉम लैथम, हेनरी निकोल्स, टॉड एसल, माइकल स्टैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और लोकाय फर्ग्यूसन, ये हो सकते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11। न्यूजीलैंड का जो ऑलराउंडर थे डॉग ब्रेसवेल वो इंजर हो गए और उनको स्क्वाड से बाहर कर देगा और जॉर्ज वॉकर को स्क्वाड में इन कर लेगा। फिर पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो उसमें अजहर अली और फ़खर जमान ओपनिंग कर सकते हैं। दो अजहर अली और फ़खर जमान दोनों ने ही दोस्तों 100 मारा था अभी जो प्रैक्टिस मैच हुई थी न्यूजीलैंड 11 के सामने, दोनों ही 100 मार के रिटायर आउट हो गए थे। फिर बाबर आजम, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, सरफराज अहमद, फ़हीम अशरफ, सदाब खान, हसन अली, मोहम्मद आमिर और रुमान रईस, ये हो सकती है दोस्तों पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड 11 को बहुत बुरी तरह हारवाया था और पाकिस्तान 140 रन से आई थिंक जीत गई थी वो मैच। तो पाकिस्तान ने थोड़ी कॉन्फिडेंस गेन की होगी और उसमें सदाब खान इन्होंने 4 विकेट्स निकाले थे दोस्तों वो वाले मैच में, प्रैक्टिस मैच जो हुआ था। तो लेकिन ये वाली जो पिच है वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है, स्पिनर्स को नहीं करती और बैटिंग फ्रेंडली भी है। तो बैटिंग और फास्ट बॉलर को थोड़ी सपोर्ट करने वाली ये पिच है। तो अभी हम टीम देख लेते हैं। टीम वन मैंने स्मॉल लीग के लिए बनाई है और टीम टू मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है। तो सबसे पहले हम टीम वन को एडिट करके चेक कर लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है टॉम लैथम। आप ग्रैंड लीग में सरफराज अहमद को भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि दोनों ही सेम पोजिशन पर आते हैं, लेकिन टॉम लैथम थोड़े अच्छे बैट्समैन है दोस्तों सरफराज अहमद से और स्टम्पिंग कैचेज भी अच्छे पकड़ लेते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे सरफराज अहमद से। तो फिर केन विलियमसन, बाबर आजम, अजहर अली, कॉलिन मुनर और फ़खर जमान को मैं ले रहा हूँ। आप ऐसे मोहम्मद हफीज़ को रख सकते हो अपनी टीम में, लेकिन मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग नहीं कर रहे दोस्तों। मार्टिन गप्टिल को रख सकते हो, रॉस टेलर को रख सकते हो, हेनरी निकोल्स को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो दोस्तों, उनके भी चांसेस है खेलने के। डॉग ब्रेसवेल दोस्तों स्क्वाड से बाहर हो गए, इंजर है, उनकी जगह पर जॉर्ज वॉकर को स्क्वाड में ऐड कर ले गए, लेकिन इनके चांस कम है कि ये डायरेक्टली प्लेइंग 11 में ऐड हो जाए। आप ऐसे टॉड एसल को रख सकते हो। फिर बॉलिंग सेक्शन से मैंने हसन अली, ट्रेंट बोल्ट और लोकाय फर्ग्यूसन को रखा है। आप ऐसे रुमान रईस को रख सकते हो, फ़हीम अशरफ रख सकते हो, सदाब खान, मोहम्मद आमिर, मैट हेनरी दोस्तों नहीं खेलेंगे, टीम साउदी को आप अपनी टीम में रख सकते हो। फिर कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो स्मॉल लीग की टीम में कॉलिन मुनरो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे दोस्तों कैप्टनसी के लिए, क्योंकि ओपनिंग करेंगे प्लस 4-5 और गेंदबाज भी करेंगे और एक ये मीडियम पेसर है तो ये वाली पिच इनको फेवर करती है, तो हो सकता है कि इनको विकेट्स भी मिल जाए। वाइस कैप्टन में शोएब मलिक को रख रहा हूँ जो एक अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है पाकिस्तान के साइड से और 6-7 ओवर गेंदबाजी करते प्लस नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग भी करते, तो एक अच्छे वाइस कैप्टन के लिए या हो सकता है कैप्टन के लिए भी दावेदार मलिक हो सकते हैं। आप चाहे तो केन विलियमसन को रख सकते हो लेकिन इनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है। आप चाहे तो अजहर अली, फ़खर जमान को भी अपनी टीम में रख सकते हो। तो आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा दूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार टीम का प्रीव्यू चेक कर लेना। टीम टू मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है, यहाँ से फिर से मैंने टॉम लैथम को ही प्रेफर किया है दोस्तों क्योंकि सरफराज अहमद इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है। फिर कॉलिन मुनरो को मैं ले रहा हूँ, बाबर आजम को ले रहा हूँ, मार्टिन गप्टिल और फ़खर जमान, मैंने दोनों ही ओपनर्स ले लिए, कॉलिन मुनरो और मार्टिन गप्टिल। मैंने मार्टिन गप्टिल को कैप्टन रखा है, थोड़ा रिस्क है दोस्तों क्योंकि ओपनर आते और एक हार्ड हिटर है, हर एक बॉल को ये मतलब सिक्स मारना जानते तो इसमें बैट्समैन से गलती हो जाती है और आउट होने के चांसेस ऐसे बैट्समैन के ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर ये चल जाए तो एक बहुत अच्छे टारगेट सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से मैंने बाबर आजम को ड्रॉप किया, सॉरी बाबर आजम है, अजहर अली को मैंने ड्रॉप किया है, मोहम्मद हाफिज़ को ड्रॉप किया है। आप देख सको मैंने सिर्फ 3 बैट्समैन लिए, 1-2-3 जो पाकिस्तान से है और मैंने 2 बॉलर लिए पाकिस्तान से। तो ये वाली टीम थोड़ी न्यूजीलैंड को फेवर करती है दोस्तों और ज़्यादा चांस है कि न्यूजीलैंड ही कल का मैच भी जीतेगी क्योंकि पाकिस्तान इतनी हार्ड टीम नहीं है कि आप न्यूजीलैंड हार जाए। तो मिचेल सैंटनर को मैं ले रहा हूँ, टीम साउदी को ले रहा हूँ, ट्रेंट बोल्ट ले रहा हूँ, मोहम्मद आमिर ले रहा हूँ, हसन अली, शोएब मलिक, आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन सेट कर सकते हो दोस्तों। मैं वाइस कैप्टन फ़खर जमान को बना रहा हूँ और कैप्टन मार्टिन गप्टिल दोनों ही ओपनर्स को मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन असाइन कर दिए। आप चाहे तो बाबर आजम को रख सकते हो एक टीम में, कैप्टन टॉम लैथम भी एक टीम में अच्छे ऑप्शन हो सकते हो और एक टीम आप ऐसी बनाए दोस्तों जिसमें आप बॉलर को किसी को कैप्टन रखें, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट हो गए, टीम साउदी हो गए, हसन अली हो गए। तो थोड़ी वेरिएशंस कीजिए, 6 टीम बनाइए ये वाले मैच के लिए। फर्स्ट मैच है तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फर्स्ट मैच में क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कौन सा प्लेयर खेलेंगे, तो आप इस पे ज़्यादा रिस्क ले सकते हो।
तो ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके गाइज, थैंक यू।